मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इतना समझाने आया हूँ कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। चूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। चूटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के घेरे बाग तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूँ, हिंदुस्तानी, और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी माँ के जीने का सहारा है, और अपनी माँ को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं, याद रखना। सर अगर आप कहें तो।